अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश टुडे बाय मेहदी ब्रदर्स। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ये दोनों काइंड्स ऑफ नाउन है और आज हम दोनों काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है लेक्चर नंबर 5 और यह आखिरी लेक्चर है काइंड्स ऑफ नाउन का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की और देखेंगे डिटेल के साथ कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या है। तो काउंटेबल नाउन यह है कि जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि नाउन ही है, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप गिनते हैं या जिनकी गिनती आप करते हैं, जिनको गिन सकते हैं उनको आप काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी उनको काउंटेबल नाउन कहा जाएगा। कि ये जनाब वो चीज़ें काउंटेबल नाउन हैं जिनको आप गिनते हैं। काउंटेबल नाउन का तादाद होता है, यानी जिन चीज़ों की आप गिनती करते हैं, जिन चीज़ों को आप काउंट करते हैं, उन चीज़ों का नंबर होता है, यानी तादाद होता है। उस चीज़ों को आप गिन कर किसी को देते हैं, उसका एक तादाद होता है। काउंटेबल नाउन को काउंट नाउन भी कहा जाता है। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन के इन्वर्स है, यानी अनकाउंटेबल नाउन ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन नहीं सकते बिल्कुल भी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तो काउंट होगा ही नहीं, इसलिए कि वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसका एक मकदार होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को आप किसी भी एक डिवाइस के जरिए या किसी तराजू के जरिए उस चीज़ों को तोलते हैं मकदार में। सो अनकाउंटेबल नाउन का मकदार होता है, जिस तरह काउंटेबल नाउन का तादाद होता है, नंबर होता है, अनकाउंटेबल नाउन का एक क्वांटिटी होती है, एक मकदार होता है। आप अनकाउंटेबल नाउन को गिनकर नहीं देते, बल्कि ऐसी चीज़ें जो गिनकर नहीं दी जाती उसको तोला जाता है किसी तरीके से, किसी औजार के ज़रिए से। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन को अनकाउंट नाउन भी कहा जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। काउंटेबल नाउन में बुक, पेन, मोबाइल, ये वो नाम हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट के साइड में आप देखें वाटर, फ्लोर, जूस, ये जो तीन लफ्ज़ आप देख रहे हैं ये हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा और बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, यानी जिनको आप गिन नहीं सकते। हम बात करें वाटर की, यानी पानी, तो पानी आप गिन नहीं सकते। फ्लोर यानी आटा, इसको गिन नहीं सकते। जूस, आप जूस को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह शुगर है और बहुत सारे लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते और काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब यहाँ पर मैं आप एक बात ऐड करना चाहूँगा कि लफ्ज़ स्टार, ये जो लफ्ज़ स्टार है ये है काउंटेबल नाउन। हाँ, हालांकि हम इनको गिन नहीं सकते, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो स्टार्स होते हैं इनकी गिनती होती है, इनको हम काउंट करते हैं। जिन चीज़ों को आप काउंट करते हैं, फिर उनका नंबर कितना भी बड़ा हो, दैट डजंट मैटर, इसका मसला नहीं है। जिन चीज़ों को आप काउंट करते हैं फितरतन, वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, जिस तरह वाटर, फ्लोर, जूस, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन और देखा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। यू कैन फॉलो ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर।